Good afternoon to all. Today we are going to discuss about role of government in promoting entrepreneurship. कि entrepreneurship को promote करने के लिए government का उसमें क्या role होना चाहिए. Okay, आज हम ये discuss करेंगे. Let's see now. Government play a very important role in developing entrepreneurship. क्या कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है गवर्नमेंट का एक एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए. गवर्नमेंट डेवलप इंडस्ट्री इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज़ बाय गिविंग वेरियस फैसिलिटीज़. कि गवर्नमेंट बहुत ही रूरल एरियाज़ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, कि वो अपने जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं कि उससे एरिया जो डेवलप हो सके इंडस्ट्रीज़. With the objective of balancing regional development, the government set programs to entrepreneur is a field of technique, finance, market. कौन कौन सी एरिया के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट है जो अपने एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना चाहती है? इंडस्ट्रियल एरिया, फॉर्म्स एरिया, फील्ड एरिया, फिनांस, मार्केट. बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गवर्नमेंट प्रमोट करती है, डेवलप करती है अपने बिजनेस को. कुछ सम पॉइंट्स हैं बच्चे. वेरियस इंस्टीट्यूशंस वर सेट अप बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव. अब इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया है और उनके अकॉर्डिंग उनको डेवलप करने के फ़ायदे बताए हैं. इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आ जाएंगे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, SIDO. SIDO was established in October 1973, now under Minister of Trade, Industry and Marketing. ये किसके अंडर आते हैं? ट्रेड, इंडस्ट्री और मार्केटिंग. ट्रेड वन मैंस इंडस्ट्री पूरी, मार्केटिंग हॉल. SIDO इज एन अपेक्स बॉडी एंड सेंट्रल लेवल ऑफ फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द कंट्री, हेडेड बाय द एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट कमीशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लेइंग ए वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ स्ट्रेंथनिंग दिस वाइटल सेक्टर विच हैज बीन प्रूव टू द वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ द इकॉनमी ऑफ द कंट्री. क्या कहते हैं इसमें कि SIDO का बहुत ही प्लेइंग और कंस्ट्रक्टिव रोल है कि अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करना है एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, MDI. MDI इज़ लोकेटेड गुड़गांव, हरियाणा. कहाँ पे लोकेट करते हैं? हरियाणा में, गुड़गांव के पास. इट वॉज एस्टेब्लिश 1973, स्पॉन्सर्ड बाई इंडस्ट्रियल फिनांस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ये कौन स्पॉन्सर करता है? फिनांस के अकॉर्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. वो मार्केटिंग के अकॉर्डिंग, ये फिनांस के अकॉर्डिंग. इम्प्रूविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग मैनेजरियल इफेक्टिवनेस इन द इंडस्ट्री, कंडक्ट मैनेजिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन वेरियस फील्ड. क्या कहते हैं इसमें, बहुत सारे फील्ड्स के प्रोग्राम्स को डेवलप किया जाता है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो फिनांस कॉरपोरेशन का हो. नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, EDI. EDI ऑफ इंडिया अटोनमस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सेट अप 1983. इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द IDBI बैंक लिमिटेड, ICICI, ICICI. बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो ये इंस्टीट्यूशन है बेसिकली बैंक के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल कंडीशन को स्पॉन्सर करता है कि कौन से बैंक में किस लेवल तक फैंसी इंस्टीट्यूशन उपलब्ध करवाने हैं, कौन से नहीं करवाने. वन ऑफ द सेटिस्फाइंग अचीवमेंट्स हाउएवर वाज टेकिंग एंटरप्रेन्योरशिप टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल, कॉलेजेस, साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन और मैनेजमेंट स्कूल्स इन सेवरल स्टेट बाय इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योरशिप इनपुट्स इन देयर करिकुलम. कि अलग अलग रिसोर्सिंग शेयरिंग करनी, ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने, कॉलेजेस को लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करनी, अचीवमेंट्स बताने, सेटिस्फेक्शंस बताने. अलग अलग स्टेट और सेंट्रल लेवल के किस में आते हैं सारे वो? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वन इज ऑल इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड, AISSIB. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड इज अ पैक्स एडवाइजरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट रेंडर एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन ऑल इशूज पर्टेनिंग टू द स्मॉल स्केल सेक्टर. इट डिटरमाइंस द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विद द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर. क्या कहते हैं इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को बनाता है और उसे डेवलप करवाता है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल स्मॉल स्केल कॉरपोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन स्मॉल इंडस्ट्री बोर्ड, नॉन गवर्नमेंट नंबर्स सच एज पब्लिक पॉलिसी कमीशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज मेंबर्स.
क्या कहते हैं कि इसमें जो सेंट्रल और स्टेट के गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि उन्होंने अपने पब्लिक एरिया कमीशन्स को कैसे डेवलप करना है, एक ट्रेड को कैसे डेवलप करना है, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें किसमें देखता है, ऑल इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीन्स ऑल मीन्स होल ऑफ द इंडिया. नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली. कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1983 में. अपेक्स बॉडी, वेरियस एजेंसीज, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, वेरियस एजेंसीज एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करती हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग टू मेक इफेक्टिव स्ट्रेटजीज मेथड टू स्टैंडर्डाइज मॉडल्स सिलेबस फॉर ट्रेनिंग टू डेवलप ट्रेनिंग एड्स टूल्स एंड मैनुअल्स टू कंडक्ट. बहुत सारी वो चीज़ें हैं जिनको वो क्या करते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, किसमें, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में, स्मॉल स्केल बिजनेस में. नेक्स्ट सिक्स आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ट्रेनिंग. एस्टेब्लिश इन 1960 विद इट्स हेडक्वार्टर्स एट हैदराबाद. इसमें इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ थे? हैदराबाद में. कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1960 में. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग्स आर. कौन कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिलेबस, एडवाइजिंग मटेरियल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स, ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर्स के बीच, प्रोवाइडिंग सर्विस रिगार्डिंग रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग. देन सेवंथ वन इज नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन LTD NSIC, एस्टेब्लिश बाई 1995 बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ असिस्टिंग द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन द गवर्नमेंट परचेज प्रोग्राम. कि इसमें कौन कौन से परचेज करती है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, किसके लिए? नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए. कौन कौन सी चीज़ों को मार्केटिंग नेटवर्क प्रोवाइड करती है, कौन कौन सी चीज़ों को नहीं करती है, किसमें फॉरेन कंट्रीज़ का एक्सपोर्ट करती है स्मॉल स्केल यूनिट्स, किसमें नहीं करती, वो सारा किसमें आता है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड. बच्चे, आज का आपका ये टॉपिक था कि एक एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है. ये 7 पॉइंट्स हैं, 1 by 1 एक्सप्लेन किए हैं. एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू सो मच.